आजम खान के समर्थन में रामपुर जाएंगे अखिलेश यादव। आजम और उनके बेटे पर करीब 81 FIR है दर्ज। खत्म नहीं हुई अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच की लड़ाई। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल की सदस्यता खत्म करने के लिए लगाई याचिका। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के VVIP गेस्ट हाउस का नाम। आजम खान का पहले था कब्जा। सहारनपुर में भीम आर्मी ने जेल भरो आंदोलन की दी चेतावनी। अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने के मामले में भीम आर्मी के पदाधिकारी पर केस से खफा। कानपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का JP नड्डा ने किया शिलान्यास। कहा विपक्ष क्या समझेगा कैडर आधारित पार्टी की राजनीति। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने BJP कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम का किया विरोध। पुलिस वालों से भी धक्का मुक्की। हमीरपुर में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराया। नदी के उफान से 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में घुसा पानी। प्रयागराज में तीसरी बार बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर। संगम किनारे हनुमान मंदिर में घुसा पानी। लखनऊ में चलती कार में अचानक लगी आग। ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। कन्नौज में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प। पुलिस की मुस्तैदी से टला विवाद।